हेलो भाई, स्वागत है हमारी नई वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो बहुत ही जबरदस्त है। हम सबसे पहले लेकर आ चुके हैं आईफोन 15। यस गाइस, हम लेकर आ चुके हैं आईफोन 15 के आपको चारों फोन आज हम इस डिटेल में फुल डिटेल में और दिखाएंगे भाई अनबॉक्सिंग करके। अनबॉक्सिंग तो क्या करेंगे गाइस, उसके अंदर आईफोन या तो और कुछ तो आता नहीं है साथ में, तो वो आईफोन ही है जो चारों आईफोन आ चुके हैं। तो करते हैं आज इसकी अनबॉक्स और डिटेल बताते हैं, फुल डिटेल, हर एक डिटेल, छोटी छोटी डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। तो गाइस आप देख सकते हैं कि अभी चारों फोन 15 प्रो, 15 प्रो प्लस और 15 अल्ट्रा, सॉरी प्लस है, वो सिर्फ प्रो नहीं है। और गाइस आपको ये चारों फोन आ चुके हैं आज, ही नहीं कि अनबॉक्सिंग तो कर ही चुके हैं। और गाइस आप देख सकते हो चारों फोनों की लुक आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे। आप 15 ये हमारे पास आ चुके हैं रियल में और हम हैंड ऑन रिव्यू आपको फ़ोन दिखा रहे हैं। इसके अंदर आपको A16 और 17 चिप यहाँ पर देखने को मिल जाएगी और 64GB 4 नैनोमीटर और 8GB रैम, अलग अलग रैम भी आपको 12GB 16 यहाँ पर रैम देखने को मिल जाती है और 256GB स्टोरेज यहाँ पर भी। लेकिन ऑनलाइन डिस्प्ले देखने को मिल जाती है 6.73 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि भाई PPI की बात करते हैं तो 458 यहाँ पर PPI देखने को मिल जाता है। और गाइस टच स्क्रीन यहाँ पर यस क्रिएटिव और टेली स्क्रीन यहाँ पर आपको टच स्क्रीन देखने को मिल जाती है। और आईफोन 15 प्लस और 5 की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको कैमरे की 48 मेगापिक्सल का आपको ट्रिपल यहाँ पर कैमरा देखने को मिल जाता है और जो कि सेकंड कैमरा आपको 12MP और जो कि अल्ट्रा वाइड है और 12MP आपको टेलीस्कोप कैमरा यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो गाइस यहाँ पर आपका ज़्यादातर यस यहाँ पर देखने को मिल जाता है, LED फ्लैश यहाँ पर देखने को मिल जाती है, 8000x6000 पिक्सल यहाँ पर आपको यहाँ देखने को मिल जाती है आईफोन के अंदर, जो कि भाई लेटेस्ट स्मार्टफोन है। और गाइस और भी जो स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं, आप 6.7 इंच 6.761 यानी कि भाई आपको एक में छोटी एक में बड़ी यहाँ पर देखने को मिल जाती है स्क्रीन। और यहाँ पर कैमरे की बात करें तो फ्रंट कैमरा आपको 12MP का कैमरा देखने को मिल जाता है और यहाँ पर रेटिना फ्लैश आपको साथ में देखने को मिल जाती है। कैपेसिटी बैटरी की बात करें तो अलग अलग बैटरी आपको देखने को मिल जाती है अलग अलग फ़ोनों के अंदर, आईफोन प्लस अल्ट्रा के अंदर अलग, और A2C केबल यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको, 47mAh की बैटरी, और बैटरी आप निकाल नहीं सकते, फास्ट चार्जिंग आपको साथ में देखने को मिल जाएगी, और टाइप सी यस यहाँ पर अब की बार USB टाइप सी आपको फ़ोन के अंदर देखने को मिलेगा। तो गाइस और फोन की बात करें तो इसके अंदर आप देख सकते हो बहुत ही लुक बहुत ही बेहतरीन, दोनों फोन चारों फोनों ये बहुत बेहतरीन लुक हैं, लेकिन बेहतरीन रेट भी हुई, इसका प्राइस भी है। 128GB स्टोरेज यहाँ पर देखने को मिल जाती है, डबल GSM यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं और इससे नैनो सिम 2 या 2 सिम आप डाल सकते हो। वही बात है, वही आप यहाँ पर भी वाईफाई की बात करें, यहाँ 4 देखने को, मोबाइल हॉटस्पॉट देखने को मिल जाता है और ब्लूटूथ वर्जन यहाँ पर 5.3 का वर्जन यहाँ पर देखने को मिल जाता है, 5G 3G 4G यहाँ पर स्पोर्ट्स बैंड्स आपको सब प्रकार के बैंड्स इसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। लुक बहुत ही बेहतरीन, फ्लैक्सी डिवाइस है, ब्रांड है यार, ब्रांड के अंदर आपको 120Hz के रिफ्रेश रेट अल्ट्रा में भी और यहाँ पर भी आपको अलग अलग, मतलब दो फोनों के अंदर अलग देखने को मिल जाते हैं, मतलब सेम भी देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर आप बटन देख सकते हो और गाइस यहाँ पर आप थिकनेस देख सकते हो, थिकनेस बहुत ही ज़्यादा कम है यहाँ पर, पहले आईफोन 14 उसकी ज़्यादा थी, थोड़ी बहुत ज़्यादा, लेकिन आप पहले से कम होकर दी गई है 15 के अंदर। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर शॉर्टकट बटन आप बोल सकते हो, शॉर्टकट बटन आप यूज कर सकते हो और इसको आप स्लाइड मोड में भी यूज़ कर सकते हो, अलग अलग टाइप से आप इसको यूज कर सकते हो स्मार्टफोन के जो, और बटन आप सारे फोनों के अंदर आपको बटन देखने को मिल जाते हैं। ये भाई आपको इसे स्क्रॉल करना चाहते हो स्क्रॉल भी कर सकते हो, स्क्रीन को स्क्रॉल कर सकते हो, अगर आप इसको यूज करना चाहते हो तो यूज करके ही आपको सही ढंग से पता लगेगा। तो गाइस ये है, देखो यहाँ पर आपको टाइप सी केबल यहाँ ये देखने को मिल जाती है, आप देख सकते हो दोनों के दोनों स्मार्टफोन में, यानी वैसे चारों फोनों के अंदर आपको टाइप सी देखने को मिल जाती है। और गाइस लुक बहुत ही बेहतरीन है स्मार्टफोन का और यहाँ ऊपर LED फ्लैश लाइट देखने को मिल जाती है, वहाँ पर भी आपको कैमरे 3 तरह के, मतलब एक प्रोसेसर की बात करें यहाँ पर एप्पल का प्रोसेसर 16, 17, 16, 17, यानी एक में बड़ा एक में छोटा प्रोसेसर यहाँ पर देखने को मिल जाता है, लाइट स्पीकर से देखने को मिल जाता है, लाइटनिंग देखने को मिल जाती है, फिंगरप्रिंट नहीं गाइस अब की बार हमें फिंगरप्रिंट इसके अंदर अब की बार भी नहीं मिला है, सेंसिबल लाइट सेंसर देखने को, अप्रोक्सीमेटी एसीमीटर, प्रोजेक्टर कंपास और यहाँ पर जायरोस्कोप सेंसर, यहाँ पर सभी प्रकार के सेंसर इसके अंदर आपको देखने मिल जाते हैं, लेकिन गाइस इसके अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर अब की बार भी नहीं दिया है आईफोन ने। तो मैं यही आज कर रहा था कि फिंगरप्रिंट सेंसर हमें देखने को मिले लेकिन नहीं मिला है। तो गाइस इसका स्टोरेज बात, 128GB स्टोरेज दोनों के अंदर आप देख सकते हो, 512GB स्टोरेज यहाँ पर आप देख सकते हो और 556GB स्टोरेज आपको इन वैरेंट में देखने को मिल जाता है आईफोन के अंदर।
तो गाइस आपको डिवाइस कैसा लगा है? आईफोन के जो फ्लैक्सी डिवाइस है वो आ चुके हैं, लेकिन गाइस हमें फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर स्टोरेज 256 512 256 128 GB स्टोरेज यहाँ पर देखने को मिल जाती है आईफोन के अंदर। और यहाँ पर बाई नोटिक यानी कि भाई एप्पल A16 और A17 का जो चिप सेट है वो यूज़ की गई इसके अंदर। और गाइस इसके अंदर आपको डायनेमिक तो वैसे ही देखने को मिला आईफोन लेकर आता है शुरू में डायनेमिक, और लेकिन आपको फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं देखने को मिलता है इसके अंदर। तो वही एक कमी छोड़ दिया एप्पल ने, फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता तो मतलब मज़ा आ जाता आईफोन के अंदर। लेकिन एक चेंज कर दिया, टाइप सी केबल यहाँ पर फास्ट चार्जिंग के साथ आपको देखने को मिल जाएगी। अब वैसे पहले क्या होता था, बैटरी आपको पता नहीं था आईफोन की कितनी होती है, लेकिन अब ये हो चुका भी सी केबल आते ही मतलब बैटरी 4700 mAh की बैटरी आपको देखने को मिल जाएगी। किसी में ज़्यादा होगी किसी में कम होगी, लेकिन आपको ये सब आप आईफोन में प्रोवाइड देखने को मिल जाएगा। तो गाइस वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी लाइक कमेंट शेयर जरूर करना वीडियो को, और गाइस जाने से पहले सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सबसे पहले टेक की न्यूज़ हर एक न्यूज़ लेकर आते हैं और अनबॉक्सिंग करते हैं फोनों की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।